हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो मैंने आपको कल कहा था कि इसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, राइट। तो अगेन इस इलस्ट्रेशन 6 में से ट्रांजैक्शन 1 से लेके ट्रांजैक्शन 20 तक यू हैव टू डू ऑन योर ओन। मैं उसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही यहाँ पर मैं जर्नल एंट्री करके दूंगा, ना ही उसके एलिमेंट्स एग्रीगेट करके दूंगा। मैं उसे फटाफट डिस्कस करता हूँ, राइट। अगर आपको डाउट होगा तो ये देख लो, अदरवाइज ये सारे सिंपल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट वन, उस पर मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन करूंगा 10 तारीख का, तो वो छोड़ के बाकी सारे सिंपल है। तो इसका फॉर्मेट आपने बना ही होगा, क्या लिखा है, किसके लिए बनाना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी, राइट। तो इसका फॉर्मेट आप बनाओ, राइट, एंड इसके 1 से लेके 20 तारीख की जर्नल एंट्रीज दे दो आफ्टर माय डिस्कशन, राइट। फिर 20 तारीख के बाद की जो नीचे की ट्रांजैक्शन है उसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड उसे हम एक साथ सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, बस 1 to 20 के ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। मेरे डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद आप वीडियो को पॉज करो, इन ट्रांजैक्शन की एंट्री करो एंड फिर वीडियो को प्ले करके आगे के ट्रांजैक्शन मेरे साथ सॉल्व करो। इज इट क्लियर? तो पहला उन्होंने दिया 2019 में पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग। तो ये सिंपल है, ये ऑलरेडी हमने पिछले 3-4 सम्स में किया हुआ है कि आपने बिजनेस शुरुआत की, उसमें कैश आई, बैंक बैलेंस लाया एंड बिल्डिंग लाया, तो ये 3 चीज़ें बिजनेस में आ रही है, तीनों डेबिट है एंड कैपिटल विल बी क्रेडिट। उसका जर्नल एंट्री आपसे बनना चाहिए, राइट। 3 तारीख परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000 एट 18% GST। आपने राम से गुड्स खरीदे एट 18% GST, राम को आपने पैसे दिए क्या? आंसर इज नो। तो यहाँ पर उधारी है राम के साथ, तो आपका पहला एलिमेंट है परचेस अकाउंट। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए है, आप ध्यान से सुनो। पहला एलिमेंट इज परचेस अकाउंट, सेकेंड एलिमेंट इज राम अकाउंट, राइट। परचेस अकाउंट विल बी डेबिट, राम अकाउंट विल बी क्रेडिट। सिर्फ एंट्री करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, रफली जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 का 18% इज 9,000, उसका आधा 4,500 CGST बनेगा, 4,500 SGST बनेगा। एंड एंट्री करते वक्त परचेस डेबिट है इसलिए CGST भी डेबिट है, एंट्री में उसे हम इनपुट CGST, इनपुट SGST कहेंगे। इज इट क्लियर? तो ये ट्रांजेक्शन भी आपसे बनना चाहिए। 5 तारीख सोल्ड गुड्स टू राकेश ₹70,000 एट 18% GST फॉर कैश। मैंने राकेश को गुड्स बेचे, तो गुड्स बेच रहा हूँ तो मेरा पहला एलिमेंट है सेल्स अकाउंट। अब मैं डायरेक्टली उसे सेल्स अकाउंट कह रहा हूँ, अब गुड्स वगैरह आपको आदत थोड़ी सी हटानी पड़ेगी, या आप गुड्स अकाउंट एंड बेच रहा हूँ इसलिए सेल्स अकाउंट, राइट। तो मेरा पहला एलिमेंट बना सेल्स अकाउंट एंड मैं गुड्स बेच के सामने वाले से फॉर कैश है यानी कि कैश ले रहा हूँ, तो सेल्स अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट, कैश अकाउंट इज सेकेंड एलिमेंट। सेल्स माल बेच रहा हूँ, क्रेडिट है, कैश उसके लिए आ रही है या डेबिट है, या सेल्स क्रेडिट है इसलिए कैश डेबिट है, ये क्लियर है। अब जीएसटी कैलकुलेट करोगे 70,000 का 18%, फिर उसका आधा CGST बनेगा, आधा SGST बनेगा, दैट इज मैथमेटिक्स यू हैव टू डू। सिर्फ इस जीएसटी को इनपुट कहना है या आउटपुट कहना है? आंसर इज ये आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कहलाएगा, क्योंकि इट इज ऑन सेल्स, मैं गुड्स बेच रहा हूं एंड उस बेचे हुए गुड्स पे मैं सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं, सो सेल्स इज माय आउटपुट, इसलिए इस पर जो जीएसटी चार्ज हो रही है दैट इज आउटपुट जीएसटी। इज इट क्लियर? तो ये भी आपसे बनना चाहिए 5 तारीख, राइट। तो ये आप बनाओ खुद से 1, 3, 5। 7 तारीख भी सिंपल है, पेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए पे किया, क्या पे किया? कैश। तो पहला एलिमेंट इज कैश, क्यों पे किया, रीजन है फॉर रिपेयर्स, तो सेकंड एलिमेंट इज रिपेयर्स, कैश जा रही है क्रेडिट एंड किस लिए जा रही है, रिपेयर्स, रिपेयर्स इज डेबिट, यस और नो? तो ये भी आपसे बनना चाहिए, ये भी आपसे बन सकता है, राइट। अब 10 तारीख ध्यान से सुनो क्या कह रहे, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹60,000 एट 12% GST। वो कह रहे हैं कि आपने रणवीर एंड सन्स, राइट, रणवीर एंड सन्स नाम का कोई दुकान है, उनको आपने ऑर्डर दी कि मुझे गुड्स भेजो, राइट, उसकी कीमत है 60,000। रणवीर एंड सन ने कहा कि ये 60,000 के गुड्स है, इस पर हम आपसे 12% GST चार्ज करेंगे, राइट। अब माय क्वेश्चन इज, हमारे हाथ में गुड्स आए क्या, या हमने पैसे दिए क्या? आंसर इज नो। ना मैं गुड्स अभी खरीद रहा हूँ, ना ही मैं गुड्स के लिए पैसा दे रहा हूँ, मैं जस्ट रणवीर एंड सन्स को क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, रणवीर एंड सन्स की दुकान में लगाया, वहाँ पर जो कोई भी था, राइट, उसने फ़ोन उठाया, मैंने उसको कहा कि मुझे ये गुड्स चाहिए, उसने बोला ठीक है 60,000 प्लस GST 12% लगेगा, मैंने कहा ठीक है भेज दो, गेटिंग इट। तो मैंने उसको ऑर्डर दिया, मैंने फ़ोन से पैसे डाले कि हाँ 60,000 ये लो 60,000, तो फ़ोन के रिसीवर में आप 60,000 रुपये जमा कर सकते हो क्या? नहीं। या उसने फ़ोन में उस तरफ 60,000 रुपये के गुड्स ट्रांसफर किए कि आपको आया कि यू आर जस्ट गिविंग एन ऑर्डर, राइट। सो यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, इट इज़ एन इवेंट, इट इज़ अ बिजनेस इवेंट, बट इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर पर फंक्शन है, राइट,
या होम किटी पार्टी है, राइट, तो आपकी मम्मी ने कहा है कि 50 समोसे के ऑर्डर दे के आओ, 50 समोसे की क्या करो ऑर्डर दे के आओ। तो आप जो पास में आपके हलवाई था उसके पास चले गए, उसको बोला कि मुझे कल 4 बजे 50 समोसे चाहिए। उसने अपने डायरी में लिख लिया, ठीक है कल 5 बजे आ जाओ और 50 समोसे, या 4 बजे आ जाओ 50 समोसे लेके जाओ, राइट। उसने डायरी में लिखा, उसने कहा कि इसके आपके होंगे 1000 रुपये, राइट। तो बोला कि ठीक है मैं कल 1000 रुपये दे के समोसे लेके जाऊंगा। तो मैंने या आपने हलवाई को 50 समोसे की ऑर्डर दी, हलवाई ने अपने नोटबुक में लिख लिया, राइट, आप चले गए। अब हलवाई क्या करेगा, कल 4 बजे 5 बजे आपका समोसा रेडी रखेगा, आप कल जाके समोसा कलेक्ट करोगे और उसको 1000 रुपये दोगे, तो जो ट्रांजैक्शन है वो कल बनेगी, आज कुछ नहीं बन रहा है। आज बस मैं ऑर्डर दे रहा हूँ सामने वाले को कि मुझे गुड्स चाहिए। हमने बोला ठीक है 60,000 के गुड्स है, 12% GST लगेगी। मैंने बोला ठीक है, उसने गुड्स डिलीवर किए क्या मुझे? नहीं। यहाँ पर वो क्वेश्चन में कह रहे प्लेस्ड एन ऑर्डर, मैंने बस ऑर्डर प्लेस की, ना मेरे हाथ में गुड्स आए, ना मैंने जेब से पैसे निकाले एंड सामने वाले को दिया। उन्होंने ऐसा बोला है कि आप प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रणवीर एंड पेड देम एडवांस। मैंने एडवांस दिया क्या? नहीं। हमारा समोसे वाला एग्जांपल, मैंने हलवाई को कहा मुझे 50 समोसे चाहिए, उसने अपने डायरी में लिखा कि मिस्टर ABC को कल 50 समोसे चाहिए, 50 समोसे एक्स्ट्रा बनाने हैं, राइट। बोला कि ठीक है कल आ जाओ 4-5 बजे, मैं समोसे रेडी करके रखता हूँ। आपने ना उसे पैसे दिए, ना उसने अभी आपके हाथ में 50 समोसे रखे। यहाँ पर जस्ट क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, वर्बल ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पर, जस्ट वर्बल क्या वर्बल लेन देन है, वर्बल एक्सचेंज है। आपने कहा 50 समोसे चाहिए, उसने बोला ठीक है कल आके लेके जाओ, ना आपने उसे पैसा दिया, ना उसने अभी आपको समोसे हाथ में रखे। सो देर इज नो ट्रांजैक्शन, देर इज नो गिव एंड टेक हैपनिंग राइट नाउ। वो शायद कल या परसों होगी जब मैं एक्चुअल रणवीर एंड सन के पास जाके गुड्स कलेक्ट करूंगा, या रणवीर एंड सन उसे मुझे या मेरे दुकान में उसे गुड्स को भेज देंगे। इज इट क्लियर? तो फॉर 10th या 10 तारीख के लिए ये ट्रांजैक्शन ही नहीं बनती, तो इसमें ना कुछ आ रहा है ना कुछ आ रहा है। सो देर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट, so there is no first element, there is no second element, no element, no debit credit, मतलब no journal entry, मतलब इसका कोई journal entry नहीं होगा। तो आपको 10 तारीख के लिए कोई journal entry करने की जरूरत नहीं है। आप जब journal entry दोगे तो क्या करोगे, 7 तारीख के दोगे, and directly 15 तारीख की अगर transaction है तो उसकी journal entry दोगे। 10 तारीख का आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट आपका पूरा journal entry होने के बाद, journal का total होने के बाद एंड में आपको एक footnote लिखना है कि 10th जुलाई या 10th मई 2019 not a transaction, hence not entered in journal. Getting it? तो ये आपको mention करने कि 10 तारीख वाला जो event है, वो transaction नहीं, इसलिए हम उसे record नहीं कर रहे हैं। जो transaction है, हमारा criteria क्या है? There has to be a transaction, there has to be an exchange. कुछ आना चाहिए, कुछ जाना चाहिए, या दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। Getting it? यहाँ पर बस मैंने order दी रणवीर एंसन को, कहा कि मुझे गुड्स चाहिए। उसने रणवीर एंसन ने कहा 6,500 के गुड्स है, 12% GST के साथ मैं आपको भेज दूंगा, या आप कल परसों आके लेके जाओ, राइट। इट इज जस्ट एन ऑर्डर, इट इज नॉट अ कन्फर्म ट्रांजेक्शन। ना मैंने पैसे दिए, ना उसने मुझे गुड्स दिए, सो देर इज नो एक्सचेंज हैपनिंग, नो ट्रांजेक्शन हैपनिंग। इट इज अ एक्सचेंज ऑफ जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। मैं उसको बता रहा हूँ, वो हाँ बोल रहा है, बस उसने अपने डायरी में लिख लिया कि यस मुझे ये जो राजवाड़े एंड ट्रेडिंग कंपनी है, राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी, उनको 6,500 का माल भेजना है, तो वो रेडी करके रखेगा। एंड जब वो 6,500 रुपये का माल आपके दुकान में डिलीवर करेगा, तो जिस दिन उसकी डिलीवरी होगी उस दिन वो कॉन्क्रीट ट्रांजेक्शन बनेगा, क्योंकि आपको गुड्स मिल रहे हैं। Is it clear? तो जब तक इस गुड्स का डिलीवरी नहीं होता, या आप जाके पैसा देके गुड्स को नहीं लेके आते हैं, तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। Is it clear? तो जब भी क्वेश्चन में आपको आएगा placed an order या order given, so इसका मतलब it is just order, there is no concrete transaction happening, there is no exchange of money or money's worth, कोई पैसा या पैसे की वैल्यू वाला इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पैसे की वैल्यू वाली वस्तु इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो देर इज नो नीड टू गिव एंट्री फॉर दिस। तो 10 तारीख उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, बट इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इसलिए इसका जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। तो आप जब जर्नल एंट्रीज दोगे, तो 1, 3, 5, 7 के बाद डायरेक्टली 15 तारीख पे जंप करो, और नीचे जर्नल करने के बाद, जर्नल का टोटल करने के बाद, एज अ फुट नोट लिखो कि 10 तारीख वाली जो ट्रांजैक्शन है, या जस्ट 10 तारीख वाला जो हमें दिया हुआ है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो एज अ फुट नोट क्या लिखोगे कि 10th मई 2019 नॉट अ ट्रांजैक्शन, hence not entered in journal, ऐसा footnote लिखो and आगे बढ़ो। Is it clear? तो मैंने 10 तारीख के लिए क्या कहा आपको, वो clear है, आगे बढ़े। तो 10 तारीख के बाद 15 तारीख की transaction भी simple है, paid for wages 15,000, wages के लिए pay किया, क्या pay किया, cash। तो पहला element cash, दूसरा एलिमेंट वेजेस, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट है, तो वेजेस डेबिट, ये किए हुए ट्रांजैक्शन है। सो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल अभी नहीं जा रहा हूँ, अगर डाउट है तो पहले वाले क्वेश्चंस को, पहले वाले सॉल्यूशंस को रिवाइज करो,
राइट। अकाउंटिंग में जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना मार्क्स बढ़ेगा। मोर द रिविजन, मोर द प्रैक्टिस, मोर इज द मार्क्स इन अकाउंटिंग। सिंपल है, इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। चलते हैं 15 तारीख के बाद 18 तारीख। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एट 10,000 या ऑफ 10,000, या वहां पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक, इट इज 1 लाख एट 12% जीएसटी। 18 तारीख की ट्रांजैक्शन में वो कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज 1 लाख एट 12% जीएसटी। आपने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, राइट। अगेन पैसा दिया क्या? नहीं। तो पहला एलिमेंट इज परचेस अकाउंट, गुड्स आ रहे परचेस अकाउंट, एंड दूसरा एलिमेंट बन जाएगा मोहन अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख, तो फिर से 1 लाख का 12% जीएसटी कैलकुलेट करो, सीजीएसटी अलग करो, एसजीएसटी अलग करो, एंड ये आप गुड्स खरीदने पर जीएसटी लग रही, तो इट विल बी कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी। परचेसेस डेबिट है, मोहन क्रेडिट है, परचेस डेबिट, इसलिए आपका इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी डेबिट होगा। अब ये भी आपका एंट्री आपसे बनना चाहिए, डाउट है तो पहले वाले जीएसटी के ट्रांजेक्शन देख लो, राइट। नेक्स्ट 18 के बाद 20 तारीख, पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस 7,000। तो ये भी सिंपल है, आपने कन्वेंस एक्सपेंसेस के लिए 7,000 रुपए पे किया। 7,000 क्या पे किया? कैश, यस और नो? तो पहला एलिमेंट इज कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, एंड क्यों पे किया? रीजन है कन्वेंस के लिए। कन्वेंस का मैंने आपको मतलब समझाया था, कन्वेंस मतलब लोकल ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग पर्पज के लिए पैसा खर्च करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंस, इज इट क्लियर? तो कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ कन्वेंस, तो कैश क्रेडिट है एंड कन्वेंस इज डेबिट, राइट। तो ये भी आपसे बनना चाहिए। तो आप क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो, 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक 10 तारीख की एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, सारी जर्नल एंट्रीज बनाओ, उनका नरेशन दो, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 25, 30 एंड 31 तारीख के ट्रांजैक्शन हम एक साथ करते हैं, राइट। तो पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज करो, 1 तारीख से लेके 20 तारीख की सारी जर्नल एंट्रीज करो, राइट। फिर वीडियो को प्ले करो एंड फिर हम आने वाली या अगली 3 ट्रांजैक्शन को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने 20 तारीख तक की सारी जर्नल एंट्रीज कर ली, तो 1 तारीख से लेके 20 तारीख की जर्नल एंट्री इस प्रकार से दिखनी चाहिए, राइट। 2 पेजेस पे मेरी जर्नल एंट्रीज आ जा रही है, राइट। तो जर्नल एंट्रीज के बाद, 20 तारीख के जर्नल एंट्री के बाद अगला ट्रांजैक्शन आपको दिया है 25 तारीख, जो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है पहले लेक्चर्स में, तो आज वो बस सेकंड टाइम आ रहा है, इसलिए मैं फिर से उसे डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। तो लेट्स रीड इट फर्स्ट, समझते हैं क्या है, फिर उसका जर्नल एंट्री एक साथ देते हैं। तो 25 तारीख को वो कह रहे हैं परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोर रुपीज 50,000 एट 28% जीएसटी एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, राइट। आपने किशोर से 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे जिस पर 28% जीएसटी चार्ज हो रही है, और आपने इमीडिएटली उसका पैसा दिया, बट आधा, मतलब आधी अमाउंट उधार है, इज इट क्लियर? तो ये आपका क्लिक होना चाहिए कि मैंने गुड्स खरीदा, परचेसेस एंड पैसा दिया, लेकिन आधा दिया, आधा नहीं दिया, मतलब आधे की उधारी है, गेटिंग इट और नॉट? अब कभी कभार आप जाओगे दुकान में, सामान खरीदोगे, 1,000 रुपये का सामान लाया, लेकिन आपके जेब में 800, आपने 800 दे दिया, बोला कि 200 रुपये में बाद में देता हूँ, उधार लिख के रखो। तो वैसे ही आपने 50,000 के गुड्स खरीदे एंड सामने वाले को केवल आधी अमाउंट पे की, आधी अमाउंट पे नहीं की। तो देखते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा। तो पहले मैं एलिमेंट को सेग्रीगेट करूंगा, फिर जीएसटी कैलकुलेट करूंगा, और फिर जर्नल एंट्री हम एक साथ करेंगे, इज इट क्लियर? तो क्या कह रहे हैं, परचेस गुड्स, गुड्स खरीदा, तो गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो, राइट। अब जब मैंने गुड्स खरीदा तो मैंने पैसे दिए क्या? आंसर इज यस, चेक से दिए, बट आधे दिए। तो बैंक अकाउंट इज माई सेकंड एलिमेंट, क्योंकि मैं चेक से पैसा दे रहा हूं, एंड बचा हुआ आधा पैसा मैं नहीं दे रहा हूं, तो वो आधी उधारी क्रिएट हो रही है। किसके नाम पर उधारी क्रिएट हो रही है? किशोर के नाम पर उधारी क्रिएट हो रही है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि मैंने सामान खरीदा, राइट, मैंने गुड्स खरीदा, तो गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, आधी अमाउंट चेक से दी यानी कि बैंक अकाउंट इज सेकंड एलिमेंट, एंड आधी अमाउंट मैंने दी ही नहीं यानी कि उधारी है। गुड्स 50 के लाए, मे बी उसके आधे दे दिए, आधे नहीं दिए, तो गुड्स यानी कि परचेस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, चेक दिया, बैंक इज माय सेकंड एलिमेंट, एंड आधे अमाउंट नहीं दिए, तो वो उधारी है। किसके नाम पर उधारी है? किशोर, तो किशोर इज माय थर्ड एलिमेंट, इज इट क्लियर, राइट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। परचेस गुड्स खरीद रहा हो तो परचेस इज डेबिट, बट ऑब्वियस, चेक जा रहा है तो परचेस डेबिट है, तो चेक यानी कि बैंक इज क्रेडिट, राइट, एंड उधारी क्रिएट हो रही है किशोर के साथ, तो किशोर इज क्रेडिट, क्योंकि ये परचेस के ऑपोजिट दोनों है। मैंने 50 का माल लिया, आधा चेक दिया, आधा उधारी है, तो एक तरफ परचेस है, उसके ऑपोजिट ये दोनों है,
राइट। अगेन मैं रूल पे नहीं जा रहा हूँ तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं आपको दो इस अपोजिट साइड बता रहा हूँ। परचेस किया, आधा पैसा दिया आधा नहीं दिया, तो एक तरफ परचेस इसे एंड उसके अपोजिट चेक यानी कि बैंक अकाउंट एंड कौन है किशोर अकाउंट है। इज इट क्लियर? तो गुड्स यानी कि परचेसेस डेबिट है, अगर परचेसेस डेबिट है तो उसके अपोजिट एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि मेरे लिए बैंक क्रेडिट एंड किशोर क्रेडिट, राइट। अब मैं रफली क्या करूंगा, एज यूजुअल जीएसटी कैलकुलेट करूंगा। तो मेरा जीएसटी का कैलकुलेशन 50,000 के गुड्स है उसका 28% इज 14,000, यस और नो? तो 50,000 का 28% इज 14,000, 14,000 का आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी यानी कि 7,000 सीजीएसटी 7,000 एसजीएसटी, इज इट क्लियर? तो मेरे डेबिट क्रेडिट एलिमेंट सेग्रीगेट हुए, मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी है, अब बस मुझे सोचना है जीएसटी को डेबिट करना है या क्रेडिट। तो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, गुड्स आ रहे हैं, इट इज माई इनपुट, तो सीजीएसटी एसजीएसटी मेरे लिए इनपुट बनेगा। परचेसेस डेबिट है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी डेबिट बनेगा, राइट। तो इन सबको मिला के अगर मैं 25 तारीख की जर्नल एंट्री देने के लिए जाता हूं, तो देखो परचेस डेबिट है, परचेसेस के ऊपर जीएसटी लग रही है तो जीएसटी भी डेबिट है, तो मैं पहले इन तीन डेबिट्स को लिखता हूं। तो मैं लिख रहा हूं 25 तारीख को परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,000, ये तीन डेबिट क्लियर है। 50,000 रुपए के गुड्स है उस पर 7,000 की सीजीएसटी है, 7,000 की एसजीएसटी है, राइट। अब तीनों मिला के मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ 50,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000 यानी कि अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो वो आ रही है 64,000, यस और नो? राइट। तो 64,000 रुपीस जीएसटी के साथ मुझे गुड्स पड़े, 50 के गुड्स है प्लस जीएसटी मिला के गुड्स की अमाउंट बन गई 64। अब ये 64,000 मैंने सारे पे किए क्या? आंसर इज नो, मैंने आधा चेक से पे किया एंड आधा किशोर के नाम पर उधारी है, तो ये दोनों क्रेडिट है। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा टू बैंक अकाउंट एंड टू किशोर अकाउंट, बट इनके सामने में 64 नहीं लिखूंगा, इनके सामने में आधी आधी अमाउंट लिखूंगा, यानी कि 64 का आधा बन गया 32,000 एंड 32,000। तो यहाँ पर टू बैंक 32,000 एंड टू किशोर अकाउंट 32,000, ये मेरी एंट्री इस तरह बनेगी कि मैंने गुड्स खरीदे, 50 की गुड्स है उस पर जीएसटी 7,000 रुपये चार्ज हुई, तो टोटल गुड्स की वैल्यू बनी 64, आधी अमाउंट यानी कि 32,000 मैंने चेक से दे दिया एंड 32,000 उधार बचे। इज इट क्लियर? राइट। तो नीचे नरेशन में लिखूंगा बींग गुड्स परचेस्ड एट 28% जीएसटी एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। इज इट क्लियर? राइट। तो यहाँ पर हमारा 25 तारीख का एंट्री कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 30 तारीख की जर्नल एंट्री पर या 30 तारीख की ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं। परचेस मशीनरी रुपीज 50,000 एट 18% जीएसटी एंड पेड द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक एंड पेड द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक, मतलब सिंपल, मशीनरी खरीदा 50,000 का मशीनरी है उस पर 18% जीएसटी और उसका इमीडिएटली हमने क्या कर दिया, अमाउंट चेक से पे कर दिया, राइट। मतलब कोई उधारी नहीं है, कुछ नहीं है, मशीनरी आया एंड चेक गया, राइट। तो पहला एलिमेंट इज मशीनरी अकाउंट, दूसरा चेक यानी कि बैंक अकाउंट। मशीनरी है इसलिए मैं इसे परचेस नहीं लिख रहा हूँ, गुड्स के जगह परचेसेस लिखना है, मशीनरी को मशीनरी कहेंगे। तो मशीनरी अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट, चेक यानी कि बैंक अकाउंट इज माई सेकेंड एलिमेंट, राइट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मशीनरी आ रही है, मशीनरी डेबिट एंड चेक में लिख रहा हूँ, तो चेक यानी कि बैंक इज क्रेडिट या मशीनरी डेबिट है इसलिए बैंक क्रेडिट है। अब मैं रफली फिर से जीएसटी का कैलकुलेशन करूंगा, तो 50,000 की मशीनरी है उसका 18% यानी कि 9,000 इज माय जीएसटी। अब उसमें से सीजीएसटी इज 4,500, एसजीएसटी इज 4,500, 9,000 को डिवाइडेड बाय 2 करो तो 4,500 इज सीजीएसटी, 4,500 इज माई एस जी एस टी, राइट। अब सिंपल ट्रांजेक्शन है, मशीनरी के साथ साथ जीएसटी भी डेबिट होगी क्योंकि मशीनरी आ रही है, मशीनरी डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगी। मशीनरी में खरीद रहा हूँ, इट इज माई इनपुट, तो जीएसटी को मैं इनपुट जीएसटी कहूंगा एंड मेरी 30 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500। इन सबका मिला के टोटल आउट ऑफ कॉलम में या इन सबका मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, चेक बना के दे रहा हूँ, तो टू बैंक अकाउंट इन तीनों का टोटल आउट ऑफ कॉलम में 59,000 या क्रेडिट कॉलम में 59,000। इज इट क्लियर? तो तीन डेबिट, उन तीन डेबिट का टोटल इक्वल टू माय क्रेडिट, क्योंकि यहां पर क्रेडिट में केवल एक ही है, मैं चेक दे रहा हूं, राइट। पहले वाले ट्रांजैक्शन जैसे नहीं कि आधा चेक से दिया आधा उधारी, यहां पर मैंने मशीन खरीदा पूरा अमाउंट मैंने इमीडिएटली चेक से पे कर दिया, तो ये भी काफी सिंपल था। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 तारीख
withdrew from bank for personal use ₹10,000, right? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आपने बैंक से ₹10,000 निकाले फॉर योर पर्सनल यूज. कौन से बैंक से? इफ नॉट मेंशन, मतलब बड़ा ऑब्वियस, बिजनेस के बैंक अकाउंट से आपने ₹10,000 निकाले एंड उसे आप पर्सनल यूज यानी कि घर लेके चले गए, राइट? तो फिर से हैव टू थिंक ऑफ टू एलिमेंट, राइट? मैंने इससे पहले आपको कहा था कि आप बिजनेस से अगर पैसे निकालते हो तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं. और मैंने आपको तब एक फॉर्मूला बताया था, ये एक शॉर्टकट या ट्रिक बताया था कि ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डेबिट. आप बिजनेस से पर्सनल काम के लिए अगर पैसा या सामान या बैंक से पैसा निकालोगे तो इट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग. जैसे हम बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में जो जो लेके आते हैं उन सबको मिला के हम कैपिटल कहते हैं, वैसे ही अगर मैं बिजनेस से पैसा या फिर सामान विड्रॉ करूंगा तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं. तो ये इमिजिएटली क्लिक होना चाहिए आपको कि देयर इज ड्रॉइंग्स. मैं पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल काम के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहा हूं तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डेबिट. ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डेबिट, उसके नाम ही है DRAWING. ड्रॉइंग का स्पेलिंग देखो, DR शुरुआत ही डेबिट से हो रही है, तो ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डेबिट. अगर ड्रॉइंग्स डेबिट है तो आई हैव टू थिंक व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट. तो मैंने पैसे कहां से निकाले? मैंने पैसे बैंक से निकाले, तो बैंक इज माय सेकंड एलिमेंट. ड्रॉइंग डेबिट है तो बैंक सेकंड एलिमेंट इज माय क्रेडिट. तो सिंपल, पहला एलिमेंट बन गया ड्रॉइंग्स अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बन गया बैंक अकाउंट. ड्रॉइंग इज ऑलवेज डेबिट. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़े से शॉर्टकट यूज किया करो, राइट? तब जाके जर्नल एंट्री सही बनेगी, राइट? तो ड्रॉइंग्स डेबिट है इसलिए बैंक क्रेडिट है. तो मेरी 31 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 नरेशन में लिखूंगा बींग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. सिंपल. तो यहां तक हमने 1 तारीख से लेके 31 तारीख के सारी जर्नल एंट्रीज दे दी आपने. 1 तारीख से 20 तारीख से आपने खुद से दी, वो मैंने आपको बस उसका ओवरव्यू दिया था, तो वो आपके लिए आसान बनना चाहिए. फिर 25, 30 एंड 31 तारीख की अभी हमने जर्नल एंट्री लिखी. अब आपको करना क्या है? आपको 2 चीज़ें करनी है. एक, इसका टोटल करो, राइट? डू इट ऑन योर ओन. मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सिंपल काम है. तो डू द टोटल ऑन योर ओन एंड नीचे नोट लिखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 10th May 2019 इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, हैंस नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, राइट? इट इज अ नोट. इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए नोट. इट इज लाइक नरेशन कि आपको समझ में आए ये ट्रांजैक्शन नहीं है, वेरी क्लियर. तो आप नोट में लिखो 10th May 2019 इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल एज इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर है? तो ऐसा नोट लिखो एंड आपका यहाँ पर सम कंप्लीट हो जाएगा. टोटल करो तो सम कंप्लीट हो जाएगा, राइट? लेकिन आज का हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ. अब फिर से टेक्स्ट बुक में आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 7 निकालो. प्रैक्टिकल यानी कि अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 7, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ. 3 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख एंड 12 तारीख यू हैव टू डू ऑन योर ओन. You have to do on your own, right? But वो करने से पहले मैं 1 तारीख की जर्नल एंट्री यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसके आपको मैं एलिमेंट सेग्रीगेट करके दे रहा हूँ ताकि आप 1 तारीख की जर्नल एंट्री भी दे सको. तो यहाँ पर हम बस अभी क्या कर रहे हैं, 1 तारीख की जर्नल एंट्री को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके एलिमेंट मैं आपको सेग्रीगेट करके दे रहा हूँ. यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री ऑन योर ओन एंड फिर 3 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख एंड 12 तारीख का भी आपको खुद से करना है. वो सारी सिंपल बेसिक ईजी ट्रांजेक्शन है. इज इट क्लियर? फिर कल आने के बाद हम 15 तारीख से लेके फिर 31 तारीख की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. इज इट क्लियर? तो फॉर्मेट को ड्रॉ करना एंड बाकी का काम आप डिस्कशन के बाद करो या डिस्कशन खत्म होने के बाद करो. तो फॉर्मेट अभी ड्रॉ मत करो, अभी बस ध्यान से सुनो. आपका अगर पहला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो पहले उसे कंप्लीट करो, फिर इस क्वेश्चन पर आ जाओ. इज इट क्लियर? राइट? चलो, तो क्या दिया उन्होंने? 1 तारीख, 1 अक्टूबर 2018 परचेस्ड मशीनरी ₹95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट. तो वो कह रहे हैं आपने ₹95,000 की मशीनरी खरीदी एंड उस मशीन खरीदने के लिए आपने 5,000 फ्रेट पे किया. फ्रेट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट चार्जेस. फ्रेट इज नथिंग बट व्हाट? ट्रांसपोर्ट चार्जेस, राइट? अब यहाँ से ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ. आपने क्या खरीदा? मशीनरी. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मशीनरी इज नथिंग बट एसेट. हम मशीनरी क्यों कह रहे हैं उसे? हम उसे गुड्स क्यों नहीं कह रहे? गुड्स इज व्हाट? जो हम ट्रेड करते हैं, जिसमें वस्तु, वो वस्तु जिसमें हम ट्रेड करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं. अगर मेरा कंप्यूटर का शॉप है एंड मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो उस कंप्यूटर को मैं गुड्स कहूँगा, मैं उसे कंप्यूटर नहीं कहूँगा. बट मैं अपने दुकान में मशीनरी खरीद रहा हूँ यूज करने के लिए, तो मैं उसे गुड्स नहीं कहूँगा, मैं उसे मशीनरी कहूँगा. एंड मशीनरी इज माई एसेट. इज इट क्लियर? तो अब जब भी कोई एसेट खरीदते हैं एंड उस एसेट
खरीदने के लिए अगर आप उसके ऊपर कोई खर्चा करते हैं तो वो खर्चा उसी एसेट की कीमत में ऐड किया जाता है एंड उसे कहा जाता है एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है उसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस व्हाट? से फॉर एग्जांपल आपका स्टेशनरी शॉप है, फिर से वही हमारा पुराना वाला एग्जांपल, आपका स्टेशनरी शॉप है तो सारे स्टेशनरी आइटम्स आपके लिए गुड्स बनेंगे, है कि नहीं? तो आप साल में स्टेशनरी कितनी बार खरीदोगे या महीने में कितनी बार खरीदोगे? तो बार बार खरीदोगे, उसका कोई काउंट ही नहीं है, है कि नहीं? आप बार बार खरीदोगे, आप जाओगे होलसेल मार्केट में, जाओगे नोटबुक खरीदोगे, कभी पेन खरीदोगे, कभी और कोई स्टेशनरी आइटम्स खरीदोगे, यस और नो? एंड जब आप खरीदोगे तो आप बल्क में खरीदते हो तो उसे लाने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है कि नहीं? वो आपके शायद गाड़ी में नहीं, तो आप टेम्पो पे या उसे किराए के क्या कहते हैं, किराए के व्हीकल से लेके आते हो एंड यू पे कैरेज ऑन दैट। तो वो जो कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको बार बार देना पड़ेगा क्योंकि आप बार बार गुड्स खरीदोगे, है कि नहीं? तो गुड्स आप बार बार खरीदोगे एंड बार बार ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा दोगे, है कि नहीं? तो वो बन गया हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू या रिकरिंग खर्चे, राइट? तो रेवेन्यू खर्चे, रिकरिंग खर्चे आर नॉर्मली रिकॉर्डेड, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। बट यहां पर आज मैं मशीन खरीद रहा हूं तो से वही हमारा स्टेशनरी शॉप है, मैं स्टेशनरी तो बार बार खरीदूंगा, मैंने उसी स्टेशनरी शॉप में जेरोक्स की मशीन खरीदी या फोटोकॉपिंग की मशीन खरीदी, राइट? तो फोटोकॉपिंग की मशीन मैं हर महीने या हर साल नहीं खरीदूंगा क्या? आंसर इज नो, आई विल परचेस इट वंस एंड आई विल यूज इट फॉर मेनी इयर्स। तो उस पर जो ट्रांसपोर्ट लगने वाला है मेरे फोटोकॉपिंग मशीन पे, वो एक बार पे करना है या बार बार पे करना है? द आंसर इज वन, मैं एक बार खरीदूंगा तो उसका ट्रांसपोर्ट या उसका कैरेज या उसका ट्रांसपोर्ट या फ्रेट मुझे एक बार ही पे करना है, यस और नो? तो जो पेमेंट या जो खर्चा मुझे एक बार पे करना है उसे कहते हैं कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट्स आर दोज विच वी पे To acquire a asset, asset को acquire करने के लिए मैं अगर कुछ extra पैसा खर्च कर रहा हूँ तो that is my capital expenditure। Means what? उस asset पर ये एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। Like आपने photocopying machine खरीद ली, ट्रांसपोर्ट आप होलसेल मार्केट में गए, फोटोकॉपिंग मशीन खरीदी, जो फोटोकॉपिंग मशीन का बेचने वाला था उसने कहा कि ये 95,000 की मशीन है, 5,000 रुपया किराया लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, राइट? तो आपने कहा ठीक है दे दो। अब ये जो 5,000 किराया, डू यू हैव टू पे अगेन एंड अगेन? अगले महीने भी पे करना है, नेक्स्ट महीने? नहीं, इट इज़ वन टाइम। ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रेट है, राइट? जो बेच रहा है उसके दुकान से आपके दुकान तक आने का ये एक बार किराया लगेगा, एक बार मशीन आपके दुकान में आ गई तो वही रहेगी, फिर से उसे ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मशीन खरीदने का वन टाइम खर्चा है, तो इस खर्चे को हमें मशीन के कॉस्ट में ही ऐड करना पड़ेगा जब हम जर्नल एंट्री देंगे। मतलब इस फ्रेट को हम अलग से कहीं पर मेंशन नहीं करेंगे, इस फ्रेट को हम मशीन के कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी आपके पेरेंट्स ने, आपने गाड़ी खरीदी तो आप बोलते हो मुझे इतने की पड़ी, 50,000 की गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के मुझे 55,000 की पड़ी। तो आप क्या कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन का खर्चा वन टाइम है ना, तो आप उसे ऐड करके बता रहे हो ऑन रोड मुझे इतने की पड़ी। तो सेम वे कोई मेरे दुकान में आया, मेरे दोस्त आ रहे, अच्छी मशीन है, लेटेस्ट मशीन है, कितने की पड़ी? आप बोले कि 1,00,000 की पड़ी। कैसे 1,00,000? 95,000 की मशीन है, ट्रांसपोर्ट का 5,000। तो आप क्या कर रहे हो? 5,000 रुपया उस मशीन के कॉस्ट में ऐड करके बता रहे हो कि 1,00,000 की पड़ी, है कि नहीं? तो सेम लॉजिक पर हम जब भी कोई एसेट खरीदेंगे एंड उस एसेट खरीदी करने के लिए अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा हूँ, मशीन इज माय एसेट, गेटिंग इट? तो एसेट को खरीदने के लिए मैंने 5,000 रुपया उस मशीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे किया, बेचने वाले दुकान से लेके मेरे दुकान तक ये मशीन आई, लेकिन ये अपने चलती थोड़ी आई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे 5,000 देना पड़ा। तो मैं कहूँगा कि ये मशीन मुझे 1,00,000 रुपये की पड़ी, राइट? तो अब मैं जब एलिमेंट सेग्रीगेट करूंगा तो मेरे दो ही एलिमेंट सेग्रीगेट होंगे, एक मशीन आ रही है तो मशीनरी अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड मैं पैसा दे रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं बताया कि किससे खरीदा, उधार खरीदा या नहीं खरीदा, मतलब मैंने पैसे दे के खरीदे, तो माय सेकंड एलिमेंट इज कैश अकाउंट, राइट? मशीन आ रही है डेबिट, कैश जा रही है क्रेडिट, राइट? बट जब आप जर्नल एंट्री में अमाउंट लिखोगे तो यू हैव टू राइट डेबिट 1,00,000 यानी कि मशीनरी 1,00,000 एंड कैश ऑल्सो 1,00,000। जो 5,000 फ्रेट के है वो अलग से रिकॉर्ड नहीं करने हैं, वो मशीन में ही ऐड करके लिखने हैं, बिकॉज इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मशीन पर मुझे एक बार ही देना है, मुझे बार बार देने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो जब आप पहली एंट्री दोगे या एक तारीख की एंट्री दोगे तो मशीनरी इज डेबिट 1,00,000 रुपीज एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट 1,00,000 रुपीज़। मतलब आपकी जर्नल एंट्री बननी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हो बिंग मशीनरी परचेस एंड पेड फॉर फ्रेट, नरेशन में यू कैन मेंशन, राइट? बट यहाँ पर एंट्री में उसका सेग्रीगेट नहीं करना, एंट्री में उसकी मशीन में ही ऐड करो जब भी कोई एसेट खरीदोगे, और एसेट खरीदने का वन टाइम खर्चा
एसेट के खर्चे में ही आपको ऐड करके लिखना है, क्योंकि आपको उस एसेट पे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि अरे 50,000 की मशीन है, 5,000 ट्रांसपोर्ट का लगा, 5,000 का मैंने और उस पर ओवरऑलिंग किया तो मेरे 60,000 में पड़ी, 60,000 में पड़ी मतलब फाइनल मशीन की कीमत मेरे लिए 60,000 है। सेम इस 95,000 की मशीन है, 5,000 मैंने उस पर ट्रांसपोर्ट दिया विच इज़ वन टाइम, तो मेरे दुकान में वो कितने की पड़ी, या मैं जो कितने की पड़ी, हम बोलते हैं ना इतने की पड़ी, यानी कि 1,00,000 रुपये की पड़ी, राइट। तो माई एंट्री When I'll do a journal entry, तो मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 लिखूंगा, कैश अकाउंट को 1,00,000 लिखूंगा। इज इट क्लियर, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, मैंने आपको होमवर्क क्या है वो बता दिया है, राइट। पहले वाला कंप्लीट, पहले वाला सम भी कंप्लीट करो, इसके मैंने जितने होमवर्क के लिए बताया है वो सारी ट्रांजेक्शन्स करो, राइट। फिर इसका बचा हुआ पार्ट हम कल के लेक्चर में सॉल्व करते हैं, राइट। तो आज मैंने आपको एक नया कंसेप्ट सिखाया अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बताया मैंने आपको? कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट। एसेट एक्वायर करने के लिए आप कुछ पे करोगे तो उसे कैपिटल पेमेंट कहेंगे, बट जो खर्चा आप बार बार करोगे लाइक सैलरी, रेंट, लेकिन ये बार बार देने पड़ते हैं। आप सामान जाके होलसेल मार्केट से खरीदोगे, ट्रांसपोर्ट पे करोगे, यू हैव टू पे इट अगेन एंड अगेन। तो जो पैसे आपको बार बार पे करने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं रेवेन्यू पेमेंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।